हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? सो आज मैं जा रही थी एक शादी पे, सो आई थॉट आप सबके साथ अपना मेकअप ट्यूटोरियल शेयर कर दूं। सो हेयर आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी का प्राइमर, इम्यूलेटिंग प्राइमर है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी है इसकी, थिक है और बहुत अच्छे से आपके पोर्स को ब्लर आउट करने के साथ साथ आपको बहुत अच्छा सा ग्लो भी प्रोवाइड करता है। सो ये मैं अच्छे से अप्लाई करूँगी अपने ऑल ओवर फेस पे। उसके बाद हम करेंगे कलर करेक्टिंग, क्योंकि आप देख सकते हो मेरे डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है फेस पे। इधर मैं अपना डार्लिंग इसाबेला का यूज़ कर रही हूँ कलर करेक्टर। अब तो ये आना बंद हो गया है, डार्लिंग इसाबेला ब्रांड पहले पर्पल पे अवेलेबल था। ठीक है, तो मैं अपनी अंडर आई करेक्ट कर लूँगी कलर करेक्टर से, और बहुत अच्छा शेड है ये, बहुत अच्छे से जो है हाइड कर देता है डार्कनेस। जहाँ जब मुझे ज़रूरत थी मैंने यूज़ कर लिया। उसके बाद मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ डायरेक्टली। इसको मैं डायरेक्टली अपने फेस पे यूज़ कर लूँगी। ये है शेड नंबर 04। पहले से मेरी स्किन थोड़ी सी लाइट हुई है। पहले मैं 06 बिल्कुल मैच करता था समर में, क्योंकि थोड़ी सा टैन हो गया था। अब 04 अच्छे से मैच कर जाता है मेरी स्किन से। तो यही होता है एक्चुअली, बहुत सारे लोगों के साथ यही होता होगा कि समर्स में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन डार्क हो जाता है और विंटर्स में जो है सही रहता है। ठीक है, तो इसको मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। आप देख सकते हो डैबिंग डैबिंग मोशन में। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अब मैं बेटर फील कर रही हूँ। मैंने सोचा एडिटिंग करके फटाफट से अपलोड कर दूँ। आप देख सकते हो डिफरेंस, देख रहे हो आप कितना सही, मतलब कवरेज बहुत अच्छी सी हो गई, डार्क सर्कल्स एकदम हाइड हो गए। आप डिफरेंस देख सकते हो बिल्कुल आपके सामने है। ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया। अब ज़्यादा फाउंडेशन की नीड नहीं है मुझे। इधर मैं यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का फाउंडेशन। बहुत ही लाइट वेट, बहुत अच्छा फाउंडेशन है। मैं इसका एक ही पंप लूँगी और उसको अच्छे से एक्टिवेट करूँगी। उसके बाद मैं इसको डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। बहुत लाइट फाउंडेशन है और एकदम स्किन टाइप लगता है कि ऐसा लगता नहीं आपने कुछ ज़्यादा अप्लाई कर रखा है। मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, मुझे ऐसे ही फाउंडेशन पसंद है और ये मेरा फेवरेट हो चुका है। मेबलिन फिट पी के बाद ये मेरा फेवरेट यही वाला फाउंडेशन हुआ अब तक। मेरी आवाज़ थोड़ी भारी होती जा रही है धीरे धीरे, बहुत देर से बोल रही हूँ और मेरे से बोला जा रही रहा, कोल्ड कफ बहुत ज़्यादा। आफ्टर दैट उसके बाद हम करेंगे कॉन्टोरिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटापा आ गया है चेहरे पे, उसको अभी कट आउट करेंगे। इधर हम अपने पूरे चिन एरिया को और चीक्स को, नोज़ को, सबको कॉन्टोरिंग कर लेंगे अच्छे से और फिर उसके बाद ब्लेंड कर लेंगे। मेरा जो पार्टी लुक है, वेडिंग पार्टी, आप इसको किसी में भी कर सकते हो, बहुत सिंपल है। जस्ट मैंने बेस क्रिएट किया है और मैंने आईज़ भी बहुत सिंपल रखी है इस पर, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल दिख रहा था और बहुत सुंदर लग रहा था। ये आप देख सकते हो मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है ब्रश की हेल्प से। तबीयत मेरी इस दिन भी थोड़ी सी ख़राब थी, तो मतलब ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ करने का दिल नहीं कर रहा, बस ये फटाफट झटपट वाला मेकअप मैंने कर लिया। और यहाँ पे मैंने यूज़ करा है ये स्टेक कोकी की मेरी लिपस्टिक, जिसका पिगमेंट बहुत अच्छा लगता है मुझे एज माय ब्लश, और बहुत अच्छा स्टे भी इसका रहता है, बहुत अच्छा स्टे रहता है, पूरा दिन ये लगा रहेगा और हटेगा नहीं। इसको बस लगा के तुरंत ब्लेंड करना है और उसके बाद हम अपने पूरे फेस को सेट कर लेंगे फिटबी के कॉम्पैक्ट से। आप लूज़ पाउडर से भी कर सकते हो, जैसा आपको दिल करे आप ऐसे कर सकते हो। मैं बहुत ही कम लेकर अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी, बस सेट करूँगी, जितनी ज़रूरत हो उतना ही करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली मेरी ड्राई स्किन है तो बहुत केकी हो जाएगा अगर ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो मैं बहुत कम सा लेकर पूरे ऑल ओवर माई फेस इसको अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद हम करेंगे हाइलाइटिंग, और हाइलाइटिंग के लिए आप यूजेंगे हेयर शुगर का फेस पैलेट। इसका हाइलाइटर बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा सा गोल्ड चैम्पियन कलर है इसका, आप देख सकते हो एकदम क्या ग्लो प्रोवाइड करता है ये। और थोड़ा सा ग्लो पहले से भी था ही, क्योंकि हमने इम्यूलेटर यूज़ किया था। और अब हम करेंगे इसके बाद अपना आई मेकअप। तो आई मेकअप के लिए मैं अपना डॉटी का पैलेट, हुडा ब्यूटी डॉटी पैलेट यूज़ करूँगी, और सबसे लाइटेस्ट ब्राउन कलर इस पैलेट में से उठा के मैं अपने पूरे आईलेट पे अप्लाई करूँगी। और ट्रांजिशन के लिए कोई अलग कलर नहीं ले रही। जब मैं पार्टी में जाती हूँ ना, जब इधर उधर ही जा रहा होता है, जैसे कोई घर की नहीं होती, तो बस यही चलता काम कर लेती हूँ, इसी में सुंदर दिख जाती हूँ। मतलब
अपने घर की शादी हो तो बहुत तापझाप रहेगा, आई शर्ट मतलब आई मेकअप में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है तो, लेकिन जब किसी और की भी जा रहा होता है ना ऐसी नॉर्मल में तो बस ये चलता काम करती हूँ मैं। अब देखो पूरे आईलेट पे एक कलर लगा लिया, लाइटेस्ट ब्राउन कलर था वो लगा लिया, अब उसके बाद वो सीधा मैं गोल्डन कलर ले रही हूँ, गोल्डन पिगमेंट बड़ा अच्छा है इसका, और उसको मैं अपने आईलेट पे अप्लाई कर लूँगी, दैट्स इट। उसके बाद लाइनर लगाओ छोटी, मतलब ज़्यादा ताप जब नहीं हो पाता कि यार अपने घर की शादियों तो बंदा करे कट क्रीज वगैरह, दो तीन आई शेडो पिक करके अलग अलग तरीके का मेकअप लुक क्रिएट करे, बट ठीक है हो जाता चल जाता काम, थोड़ी देर के लिए जा रहा होता है, कौन इतनी मेहनत करके मेकअप करे। और उसके बाद फिर हम देखो अप्लाई कर लेगी यहाँ पे अपना लाइनर, पहले मैंने सिंपल लाइनर लगाया फिर मेरा मन नहीं माना तो फिर उसके बाद मैंने उसको विंग कर लिया था। अब देखो सिंपल लगा हुआ था, अब देखो सिंपल लगाने के बाद मैंने उसे विंग किया, सो या मतलब आप पहले सिंपल लगा के भी देख सकते हो कैसा लग रहा है, नहीं अच्छा लगता तो आप उसको विग में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पे मैं लाइनर लगा रही हूँ बहुत ही ध्यान से, क्योंकि लाइनर सबसे इम्पोर्टेंट होता है यार, यही सही ना लगे तो फिर क्या फ़ायदा। उसके बाद अप्लाई कर रही हूँ वाइट काजल, जिससे मेरी आईज़ थोड़ी बिगड़ लगी, एज आई सेड अर्लियर कि मेरी तबीयत ख़राब थी, तो जब तबीयत ख़राब होती है ना सबसे पहले तो मेरी आईज़ पे फ़र्क पड़ता है, एक तो डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं और सेकंड थिंग कि मेरी आईज़ छोटी हो जाती है वैसे भी इतनी बड़ी तो है नहीं। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे मस्कारा, माय फेवरेट मास्क का मस्कारा, ओह माय गॉड अब तो बोला ही नहीं जा रहा, तबीयत बहुत ख़राब है लिटरली, चलो ये बहुत बार बोल लिया मैंने ये चीज़ लेकिन है तो फिर ठीक है ना। तो अब अप्लाई कर रही हूँ मैं अपना मस्कारा अच्छे से, आप देख सकते हो इसके बाद कुछ नहीं बचा, बस हम लिपस्टिक अप्लाई करेंगे। लिपस्टिक के लिए आई एम यूजिंग हेयर माय ग्लैम की लिपस्टिक, ठीक है ये भी अच्छी है, टिक जाती है ज़्यादा देर तक, और पिगमेंटेशन भी ठीक है इसकी, और कलर ये मेरा फेवरेट है, कलर का नाम है ट्रॉफी आई गेस। सो या इसको अप्लाई करने के बाद मेकअप मेरा पूरा कंप्लीट है, अब हम करेंगे अपने मेकअप को सेट। मेकअप सेट करने के लिए हेयर आई एम यूजिंग मेकअप फिक्सर स्विस ब्यूटी का, बड़ा अच्छा है, बड़ा सही मेकअप इससे टिक जाता है, बड़ी देर तक टिका रहता है। सो या अच्छे से मैं देखो आप भर भर के जो है मेकअप फिक्सर अप्लाई कर लिया है, और या मेकअप मेरा हो गया है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है। एंड इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करूँगी, मेक श्योर अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करके बताइए, फिर मैं और बहुत सारी वीडियोज़ आप सबके लिए बनाऊँगी। एंड आप सब गाइज मुझे इंस्टाग्राम पर भी जो है ऐड हो सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम में वैरायटी गर्ल से मेरी आईडी है। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।